वेस्टर्न प्रोपेगेंडा क्या होता है वो आपको इस खबर को देखने सुनने के बाद समझ में आने लगेगा। भारत दुनिया में तेजी से उभरती हुई शक्तियों में से सबसे ऊपर है। ऐसे में दुनिया की कई ऐसी संस्थाएं हैं जो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। कोरोना वायरस महासंकट के बीच धार्मिक आजादी पर नजर रखने वाली एक अमेरिकी संस्था ने भारत को लेकर रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में धार्मिक आजादी का कम होना चिंता का विषय है। इस रिपोर्ट को लेकर अब भारत ने जवाब दिया है और इस रिपोर्ट को पक्षपाती करार दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव की ओर से इस रिपोर्ट पर आधिकारिक बयान जारी किया गया। बयान में कहा गया है कि यूएस CIRF की वार्षिक रिपोर्ट में भारत के लिए जो कहा गया है हम उसकी निंदा करते हैं। पक्षपात से भरपूर इस तरह की टिप्पणी नई नहीं है, लेकिन इस बार तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की सीमा सभी लेवल पर पार कर चुकी है। भारत की ओर से कहा गया है कि संगठन अपने ही द्वारा प्रयासों को सफलतापूर्वक लागू नहीं कर पा रहा। हम इस प्रकार के संस्थान का सम्मान करते हैं, ऐसे में उसे इसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए। अमेरिकी विभाग ने कहा है कि 2018 के बाद से भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति खराब हुई है। इस संगठन ने भारत की धार्मिक आजादी पर चिंता जताते हुए उसे टीयर 2 की श्रेणी में जगह दी है, यानी भारत को धार्मिक आजादी के मामले में विशेष चिंता का देश घोषित किया गया है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि भारत के खिलाफ हाल के दिनों में पाकिस्तानी पैसों के लालच में खाड़ी देशों के ट्विटर से जमकर भारत के खिलाफ जहर उगला गया। बाद में मालूम चला कि आधे ट्विटर के खाते फर्जी हैं और आधे पाकिस्तान समर्थक। इसके बाद भारत ने खाड़ी देशों को फोन घुमाया तो सब ने भारत के साथ दोस्ती की प्रतिबद्धता दोहराई। ऐसे में कोई अमेरिकी संस्थान भारत पर कोई रिपोर्ट जारी करे और पाकिस्तान में होते अत्याचारों को धीमी आवाज में खंडन करे तो समझा जा सकता है कि खेल क्या है, क्योंकि ऐसे संस्थानों को भारत के लगातार मजबूत होते उसके लोकतंत्र के और ताकतवर होने से उसके प्रोपेगेंडा की दुकान बंद होती नजर आती है। और जब ऐसी रिपोर्ट निकालते हैं तो भारत के दुश्मन देशों के वो दुलारे भी हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।